माय पेरेंट्स आर डूइंग अमेच्योर थिएटर फॉर मोर देन 45 इयर्स. वो मिले ही एक नाटक में, वहाँ पे ही प्यार हुआ, शादी हुई, तो ये मेरे खून में ही है कला. स्टार्टिंग में मराठी में मैंने टीवी किया, फिल्में की, थिएटर किया, फिर हिंदी में थिएटर किया. हिंदी में मैंने कुछ 7-8 साल पहले एक फिल्म की थी अमोल गुप्ते जी की, जिसका नाम था हवा हवाई. नाट्य छन्नी योजना ये है कि जो भी सस्पेंस है, जो भी मिस्ट्री है, वो दर्शक जानते हैं, तो वो अपनी सीट पे एकदम कंफर्टेबल बैठे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि क्या हो रहा है. बेचैनी है कि इस किरदार को ये बात पता चलेगी तो फिर क्या होगा. तो ये फिर क्या होगा जो है ना, ये दर्शकों के मन में आना चाहिए, ना कि हमको उन्हें हैमर करना चाहिए कि अभी सोचो फिर क्या होगा. मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, बड़ी अच्छी हवा चल रही है. वो कैमरामैन परेशान है, वो परेशान है कि ऑडियो थोड़ा सा शायद कहीं इधर उधर ना हो जाए. देखो हवा भी बंद हो गई अब. देखो हाँ, इससे पहले आपके बाल भी उड़ रहे थे, रे भी उड़ रहे थे. तो भाई अब ऑडियो ऑडियो सब सेट है, शुरू करें. दूसरी माँ हमारे साथ है. वैसे देखने पे तो आप मतलब पहली माँ नहीं लगती. दूसरी कैसे, अभी तो शादी हुई है आपकी, उसके बाद में बात करें. दूसरी माँ पे पहले बात कर लेते हैं. तो ये जो दूसरी माँ है, यशोदा नाम है कैरेक्टर का, और एक होममेकर है, गृहिणी है. घर के जो सब किरदार है बखूबी निभाती है, माँ, बहू, बेटी, भाभी, सब कुछ. लेकिन इसके साथ साथ ये एक समाजसेवी का भी है. समाज के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी है उसको जानती है, समझती है, और दोनों के बीच में अच्छा बैलेंस रखना जानती है. तो इमोशनल और सेंसिटिव है, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल और रैशनल भी है. अपनी बेटियों को लड़ना सिखाती है, अपनी बेटियों को सही उसूल सिखाती है, और उसको परिवार में इतना अच्छा मिला है कि उसके जो पति है अशोक, जो के वकील है, तो उनका मतलब पूरा साथ है उनके काम में. और जो सासू है, जनरली सासू माँ जो वाली नहीं है, यहाँ पे उल्टा हिसाब है कि ये सासू का माँ ज्यादा है. इट इज रियली वेरी सरप्राइजिंग. सास का जो क्या कह सकते हैं कि पूरा पैकेज ही बदल दिया है, बदल गई है सास. हाँ, यही कोशिश है कि इंसान बुरा नहीं होता है, वक्त बुरा होता है, जो इंसान को अलग तरीके से है. तो सासू माँ भी ऐसी है, बच्चियाँ हैं बड़ी प्यारी, और एक लड़की की, छोटे बच्चे की सहायता कर रही है जिसका नाम है कृष्णा. उसकी माँ बीमार है, बच्चा है अकेला, और पिता उसके कहा है माँ को भी बताने में, क्योंकि पहले प्यार की निशानी है. तो यशोदा को कुछ अलग सा ही जुड़ाव महसूस होता है बच्चे के लिए. जाहिर है छोटा बच्चा है, माँ मर रही है, बाप नहीं है, वो उसकी सहायता कर रही है. और बाद में जाके उसे पता चल जाता है कि इसका पिता कोई और नहीं है, खुद का पति है. जो पति के पहले प्यार की ये निशानी है. शुरू में ही पता चल जाता है, ऐसा कुछ. हाँ, खुलासा नहीं किया ऐसा, क्योंकि क्या है मतलब, क्योंकि मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ तो मैं आपको बताती हूँ. थिएटर में इसे बोलते हैं नाट्य छद्म योजना. नाट्य छद्म योजना. हाँ. मुझे पहली बार कोई हीरोइन मिली है इतनी मतलब क्लिष्ट हिंदी. नाट्य छद्म योजना के बारे में बताइए. नाट्य छद्म योजना ये है कि जो भी सस्पेंस है, जो भी मिस्ट्री है, वो दर्शक जानते हैं, तो वो अपनी सीट पे एकदम कंफर्टेबल बैठे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि क्या हो रहा है. बस किरदार नहीं जानते कि क्या हो रहा है. प्रेडिक्टेबल है दर्शकों के लिए. दर्शकों तो दर्शकों में वो टेंशन नहीं रहती है कि अब क्या होगा, तो वो कंफर्टेबली वो देख सकते हैं, और फिर उनका कैथारसिस अच्छी तरह से होता है. अच्छा, तो इसी तरह से दर्शक बहुत ही जल्दी जान जाते हैं कि ये क्या मामला है, बस किरदार नहीं जानते. और फिर दर्शकों के मन में ये बेचैनी है कि इस किरदार को ये बात पता चलेगी तो फिर क्या होगा. तो ये फिर क्या होगा जो है ना, ये दर्शकों के मन में आना चाहिए, ना कि हमको उन्हें हैमर करना चाहिए कि अभी सोचो फिर क्या होगा. तो यही स्ट्रगल है कि किस तरह से यशोदा इसको अपनाती है, अपना पाती है या नहीं.
बिकॉज शी इज अ प्रैक्टिकल वुमन, शी नोज कि बच्चे का कोई दोष नहीं है, लेकिन बच्चे को देखती है तो जो दिखाई देता है वो है उसका बिखरा हुआ परिवार, तो कैसे अपनाए उसको। लेकिन एक माँ है तो ये भी समझती है कि उसे ममता की ज़रूरत है, उसके मन में भी ममता है, बच्चिया है, तो ये स्ट्रगल है इस कैरेक्टर का और इस कहानी का। अच्छा, लखनऊ में क्यों लॉन्च किया आपने इस शो को? लखनऊ में मतलब जहाँ छत पे हम मौजूद हैं वो पीछे बड़े, आप वेज है नॉन वेज? प्योर नॉन वेज। प्योर नॉन वेज, प्योर नॉन वेज। दिखाओ यार, फिर तो मतलब आपको जो है ना यहाँ जाना चाहिए। अरे यहाँ मतलब बिरयानी गली है ना, इस गली में जाते ही खुशबू आती है ना, मतलब एकदम बवाल। वो जिशान बिरयानी कॉर्नर है ना, वहाँ से आप बिरयानी पैक करो। अरे वहीं पे हम कर लेते थे, मुझे किसी ने बताया वो अभी मिल रही थी ना तो मैंने तो सोचा था हम बिरयानी पे बातचीत कर लेते, बिरयानी पर बातचीत। हाँ बिल्कुल, चाय पे चर्चा, बिरयानी पर बातचीत, बिरयानी पर बीसी कर लेते हम, बातचीत कर लेते बिरयानी पर। तो वो बड़ा अच्छा है आपको, मतलब शाम को वहाँ दस्तरखान और ये सब है, ये बड़े फेमस हैं। तो मैं नीचे जैसे उतरा तो मुझे गार्ड ने बता दिया कि यहाँ आप जाइए, आप शाम में ही आ जाते हैं तो बिरयानी पे बातचीत हो जाती है। और पीछे मेट्रो वेट्रो भी है। तो लखनऊ क्यों, मतलब व्हाई यू चूज लखनऊ फॉर लॉन्च ऑफ दिस शो? ये जो यूपी का पूरा पट्टा है, यहाँ के दर्शक मुझे लगता है कि जानते हैं कला की अहमियत। हमने तो मतलब इतिहास में भी पढ़ा है लखनऊ के नवाब और ये सब, और ये जो शो है ये भी यूपी बेस्ड है, तो जहाँ का शो है, जहाँ का परिवार है, वो अपने हैं हमारे लिए शो के लिए, तो उनके सामने ही अगर ये शो को रख दे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा दर्शकों का प्यार पाना। और यहाँ के दर्शक जो है, क्योंकि जब मैं अम्बेडकर शो भी कर रही थी और जब देख रही थी लोगों के कमेंट्स देख रही थी, तो मैंने ये जाना है कि यहाँ का जो ऑडियंस है वो एजुकेटेड ऑडियंस है, वो समझता है चीज़ों को। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं एज एन एक्टर कर देती हूँ और ये लगता नहीं है कि ये दर्शक समझ पाएगा, लेकिन वो उसी भाषा में मुझे जवाब देता है जिस भाषा में मैंने वो चीज़ की है। तो और आयन टीवी और लखनऊ का तो बहुत पुराना रिश्ता है, सारे शोज यहाँ लॉन्च हुए हैं, तो विश्वास है कि यहाँ शो लॉन्च करेंगे तो प्यार ही प्यार मिलेगा। अच्छा, लखनऊ पहले कितनी बार आई हैं? पहली बार आ रही है, पहली बार आ रही हूँ। मुझे लगता है 2-3 दिन यहाँ रहना चाहिए। और नहीं रह सकती क्योंकि वहाँ यशोदा बुला रही है मुझे मुझे बस कल ही चले जाना। दही जलेबी और वो सब मैंने खास्ता कचोरी खाई, अभी दही जलेबी पता नहीं मैं कब खा पाऊंगी। कल सुबह आप ट्राई कर सकते, कल सुबह मैं जाऊंगी, चली जाऊंगी 6 बजे की। तो जब दोबारा आएंगी तो मतलब मुझे आज मौका मिला कि यहाँ की जो कचौड़ियाँ हैं और वो सब ट्राई करना है। खासा कचौड़ी मैंने खा ली, बस अभी मुझे मटन बिरयानी खानी है और टुंडे का। मैंने आपको बहुत ही सही जगह दिखा दी है। आपको वहां से ही खानी है। मतलब मुझे कई लोगों ने बोल दिया कि यार उसकी बिरयानी तो आप खा लोगे तो सब भूल जाओगे। जीशान ना, जीशान भाई तुम्हारा फ्री में प्रमोशन कर दिया, मैं ये क्लिप उसको दिखा दूंगा ठीक है, और अब हमारी हम दोनों की बिरयानी जो है वो सेट हो गई है, लाइफ लॉन्ग फ्री होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, स्टार्ट कैसे किया आपने करियर, मतलब हाउ यू केम इनटू? बेसिकली माय पेरेंट्स आर डूइंग अमेच्योर थिएटर फॉर मोर देन 45 इयर्स। ओह, आई एम बेसिकली फ्रॉम नासिक। ओके, तो मेरे आई और बाबा जो मराठी में बोलते हैं माँ पापा को, वो मिले ही एक नाटक में, वहाँ पे ही प्यार हुआ, शादी हुई, तो ये मेरे खून में ही है कला। तो बचपन में मैं कथक भी सीखी हूँ, मैं म्यूजिक सिंगिंग भी सीखी हूँ, और हमारे घर में भी पूरा कला का वातावरण है। और जैसे 10वीं 12वीं हो गई तो मुझे ये पता था कि मुझे यही करना है, तो पूना में, पूना यूनिवर्सिटी में एक कोर्स है थिएटर ग्रेजुएशन का। मैंने बोल दिया वहाँ पापा को कि यही मुझे अगर करना है तो मैं इसी रास्ते पे चलना शुरू कर देती हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँगी मंजिल तक शायद। तो वहाँ से शुरू किया और फिर मुंबई आ गई 2006 में, तो अभी 16 साल से हिमाचल, फ्रॉम नासिक आप मुंबई आ गए, नासिक से पूना, पूना से मुंबई, नासिक से पूना, नासिक से चली पूना, वो वाला गाना फिट है एकदम। तो वहाँ पे आ गई और फिर अभी 16 साल हो गए ऑलमोस्ट मुंबई में। ब्रेक कैसे मिला पहला, मतलब क्योंकि स्ट्रगल हम सुनते हैं भैया इतना है कि मतलब
बड़ी अजीब चीज है, मैंने ये डिसाइड किया था, माँ पापा को बोल दिया था कि मैं तभी मुंबई शिफ्ट हो जाऊंगी जब मुझे कुछ काम मिलेगा, और लोग मुझे बेवकूफ बना रहे थे कि ऐसा नहीं होता है, मुझे वहां जाके ऑडिशन देनी पड़ती है, मिलना पड़ता है। लेकिन एक मराठी प्ले आया था नासिक में, मैं वहां मिलने चली गई किसी के रेफरेंस से, और मैंने बोल दिया कि थिएटर से हूँ, मेट्रो, मैंने बोल दिया उन्हें थिएटर से हूँ, तो बोले कि इसी शो में रिप्लेसमेंट करनी है, करेगी? बोला हाँ करूंगी, तो बोले ठीक है आ जा मुंबई, तो वो शो ही मुझे मुंबई लेके गया, और मैं मुंबई पहले ही काम, हाँ पहले काम मिल गया, फिर मैं मुंबई शिफ्ट हो गई थी। मतलब उस मामले में कैसे, लक नहीं बोलूंगी, मुझे लगता है इतनी चाह थी मेरी कि पहले काम मिले और बाद में मैं शिफ्ट हो जाऊँ, तो वो मुझे दे दिया नसीब ने, यूनिवर्स ने। शिद्दत से चाहो तो बॉलीवुड में लाइनें ऐसी ही नहीं आती है। बॉलीवुड में शाहरुख खान ने ऐसे नहीं बोला, ऐसे नहीं बोल दिया है। मतलब वेरी बॉलीवुड ना, नासिक से चली पुणे भी फिट हो रहा है, और शिद्दत से वेरी बॉलीवुड, हाँ वेरी बॉलीवुड। तो फिर मराठी में यू डिड लॉट ऑफ वर्क, यस, स्टार्टिंग में मराठी में मैंने टीवी किया, फिल्में की, थिएटर किया, फिर हिंदी में थिएटर किया। हिंदी में मैंने कुछ 7-8 साल पहले एक फिल्म की थी अमोल गुप्ते जी की, जिसका नाम था हवा हवाई, स्केटिंग बेस्ड फिल्म थी। फिट बैठा एकदम, हवा भी चल बड़ी अच्छी सेटिंग में हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, वो देखिए हवा हवाई करते ही जो है एकदम, वो प्रोड्यूसर पैसा खर्च करते हैं फैन वैन लगवाने के लिए, यहाँ नेचुरल हवा से हम, वो कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ, तो वो कर देता है सारी चीजें। रिसेंटली आपकी शादी हुई, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन सुना आप इतना काम कर रही हैं, हनीमून पे भी नहीं जा पाएंगे। 16 अगस्त को मेरी शादी हुई और 21 अगस्त को मैं जयपुर चली आई शूटिंग करने के लिए। बहुत ही लंबा साथ रहा है हमारा, ओमकार नाम है उनका, वो कवि है, लेखक है, निर्देशक है, अभिनेता है, तो 6-7 सालों से शायद हम जानते हैं, 10 सालों से जानते हैं, 6-7 सालों से रिश्ता है हमारा, और पिछले 8-9 महीने हम साथ में रहे भी हैं, तो ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि आसान है सब कुछ। मतलब इस शो की शूटिंग की डेट और शादी की डेट साइमल्टेनियसली सब कुछ चल रहा था, पर मुझे लगा ही नहीं कि ये सब कुछ इतने साइमल्टेनियसली चल रहा है, और कोई प्रेशर ही नहीं था, क्योंकि वो भी आर्टिस्ट है तो समझते हैं अहमियत को मेरी जिंदगी में, क्या है कला की अहमियत क्या है, और बस वही सपोर्ट है, वही अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं इतनी स्ट्रांग रह पाती हूँ। और मैं हर किसी को बोल देती हूँ, अगर कोई पूछता है कि अरे शादी हुई है अभी कैसे आई, तो मैं बोलती हूँ कि अगर कोई आर्मी का बंदा हो, कोई डॉक्टर हो, तो वो चला जाएगा अपना काम करने के लिए, क्योंकि उसकी ड्यूटी है, तो मुझे लगता है ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा जॉब है, और मैं मना नहीं कर सकती इसे। तो ऐसे ही आप अपना जॉब करते रहें, टाइम कम है, बातें तो मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन ठीक है, आगे के लिए बहुत मजा आया। बिरयानी पर बातचीत तो एक जरूर करेंगे लखनऊ में, हमारी ड्यू है। नेक्स्ट टाइम जब आप इनको भी दिखा दो यार, ये कैमरे में रिकॉर्ड होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ये हमें बिरयानी पर बातचीत करवाएंगी यहाँ पर जीशान बिरयानी, नेहा जोशी की जीशान बिरयानी, और हम खूब सारी बातचीत करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लवली टॉकिंग टू यू। सेम।